शादी वाला दिन बहुत एक्साइटिंग होता है, पर एक शादी हमेशा सरप्राइज से भरी होती है। रियान और एलिस अपनी वेडिंग सेरेमनी शुरू करने वाले हैं। इससे पहले एक अच्छा सा हग उन्हें शांत कर देगा। परी दुल्हन के बाहर जाने का समय है, पर इस दूल्हे को बेसब्री से इंतजार करना होगा। ओह, वो क्या है? लगता है कि एलिस ने कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया। ओह, घबराओ मत, हम सब ठीक कर सकते हैं। चलो कुछ टेप लें, चिपचिपे हिस्से को बाहर की तरफ रखकर अपने हाथ पर लपेटें और फैब्रिक साफ करें। ये आसानी से किसी भी पाउडर को साफ कर देगा। दुल्हन जल्दी से मदद करने आई, पर रियान पहले से ही ठीक है और वो केस के लायक है। कोई भी वेडिंग रिसेप्शन डांस के बिना नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं लगता कि निकी आज रात की डांसिंग क्वीन बनने वाली है। मुश्किल मूव्स के लिए फर्श बहुत फिसलन भरा है। ओप्स, ओ, और वो गिर गई। आराम से, द मेड ऑफ ऑनर के पास उसके लिए एक लाइफ हैक है। एक नेल फाइल, पर क्यों? निकी अपने जूतों के सोल्स को फाइल करती है। अब जूते फिसलना बंद हो जाएंगे। बस हो गया। ये चलो सुबह तक नाचते रहे। ब्राइड्समेड को भी बढ़िया दिखना चाहिए। अब मैं अपने दोस्त की शादी में मदद कर सकती हूँ। और वो ये रही, नहीं, दूल्हा उसे नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ उसका व्हील है जो सही से नहीं लगा हुआ। ये उसके चेहरे से चिपक रहा है और उसका मेकअप खराब कर रहा है। शांत हो जाओ, हमें बस व्हील को हेयर स्प्रे से स्प्रे करने की जरूरत है। ये मोटा हो जाएगा और अपना आकार ले लेगा। देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अब रियान को इतना इंतजार मत करवाओ। ये रहा सेरेमनी के लिए वेन्यू, पर कुछ गायब है। निकी के पास एक मजेदार आइडिया है। चलो देखते हैं कि वो क्या करने वाली है। फोम पेपर से एक बड़ा हार्ट काटें। बेस पर लंबे वुडन स्क्यूअर्स चिपकाएं। हो गया। चलो थोड़े और हार्ट्स बनाएं। ये सभी बहुत अच्छे डेकोरेशंस का काम करेंगे। अब हार्ट्स को जमीन पर चिपकाएं। दुल्हन के आने के लिए रास्ता बनाएं। वाह, ऐसा लगता है जैसे ये किसी प्रोफेशनल ने किया हो। प्यार का रास्ता, कितना सिंबॉलिक है। वेडिंग हेयर स्टाइल को लंबे समय तक रखने के लिए हमें इसे हेयर स्प्रे से अच्छे से सुरक्षित करना होगा। एलिस का बहुत मुश्किल समय चल रहा है। ये गैस अटैक जैसा है। तुम्हें एक प्रोटेक्टिव मास्क की जरूरत है। एक प्लास्टिक फोल्डर और एक हेडबैंड ले। हेडबैंड को हॉट ग्लू करें। इसे रोल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। अब निकी जितना चाहे उतना हेयर स्प्रे उसके बालों पर स्प्रे कर सकती है। एलिस की आंखें सुरक्षित हैं। मेकअप का आखिरी टच। एलिस, समय हो गया, तुम्हारा दूल्हा इंतजार कर रहा है। और मेकअप, मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। निकी जानती है कि कॉम्पैक्ट मेकअप बैग्स कैसे बनाते हैं। हमें एक चौड़े इलास्टिक बैंड की जरूरत होगी। पतले इलास्टिक बैंड को इससे चिपकाने के लिए हॉट ग्लू गन का प्रयोग करें। लूप्स बनाएं, गार्टर के कोनों को चिपकाएं। हो गया, ठीक है, हमारा डिजाइन चेक करो। हो, ये अच्छे से फिट है और लूप्स वो सब होल्ड कर लेंगे जिनकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा सारा मेकअप हमेशा यहीं पर रहेगा, बहुत फायदेमंद, और यहाँ तक कि तुम इसे ड्रेस के नीचे देख भी नहीं पाओगे। वेडिंग मेकअप जरूरी होता है, त्वचा एकदम सही होनी चाहिए, पर गर्मी में ये बहुत मुश्किल है।
सारा मेकअप नैपकिन पर है, तुम्हारे चेहरे पर नहीं। निकी के पास स्थिति के लिए भी लाइफ हैक है। फिनिश्ड मेकअप पर थोड़ा सा हेयर स्प्रे। सावधानी से, ध्यान रहे कि प्रोडक्ट आपकी आंखों और मुंह में ना जाए। हेयर स्प्रे मेकअप को सुरक्षित करेगा और इसे लंबे समय तक बनाए रखेगा। ये लॉन बढ़िया लग रहा है, पर ये इतना अनोखा नहीं है। खैर, चलो थोड़ा क्रिएटिव बने। एक दिल के आकार वाला स्टेंसिल लें और थोड़ा आटा। लड़कियां इसे सुंदर बनाने के लिए तैयार हैं। स्टेंसिल को जमीन पर रखें, ऊपर थोड़ा आटा डालें। ऐसे ही आप पार्ट की पूरी लेंथ को सजा सकते हैं। इस तरह वेन्यू काफी बेहतर लग रहा है। कितना रोमांटिक है। जाहिर सी बात है, सभी वेडिंग फोटोशूट्स एक जैसे होते हैं, पर अगर आप कोशिश करें तो आप काफी अनोखी तस्वीरें ले सकते हैं। जैसे कि इस तरह दूल्हा और दुल्हन प्यार के शब्द को बनाने के लिए अपनी उंगलियों को फोल्ड करते हैं। बहुत सुंदर। निकी के पास वेडिंग फोटोशूट के लिए और आइडिया है। वो दुल्हन और दूल्हे की उंगलियों पर स्माइली फेसेस बनाती है और उनके ऊपर रिंग्स रखती है। वाह, ये बहुत प्यारा है। तुम किसी दिन ये तस्वीरें अपने पोतों को दिखा रहे होगी। टाई को बांधना कोई बचपन से सीख कर नहीं आता। ये एक मुश्किल कौशलता है और रियान ने इसे कभी नहीं सीखा। उसे मदद के लिए एलिस के पास जाना होगा। ओह हनी, देखो और सीखो। टाई के एंड्स को क्रॉस करें, चौड़े एंड को दाईं ओर पॉइंट करके इसे नैरो वाले की ओर ले जाएं। इसे नीचे से ऊपर की तरफ नेक लूप तक लाएं और फिर से ऊपर से नीचे से नेक के लूप में पास करें। नॉट को टाइट करें और सीधा करें। शुक्रिया हनी, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। यहाँ तक के दुल्हनों को भी रेस्ट रूम में जाने की जरूरत होती है, पर इस बड़ी सी फैंसी ड्रेस के साथ ये बहुत अनकंफर्टेबल है। एलिस के पास कुछ सलाह है जो दुल्हन के जीवन को आसान बना देगी। बस एडवांस में वेडिंग ड्रेस को अल्टर करें, बॉटम स्कर्ट के किनारों के आसपास एक चौड़ा सैटिन रिबन चिपकाएं, रिबन्स के एंड्स को छोड़ें। हम इनका प्रयोग बाद में हेम को टाइट करने में करेंगे। देखो ये कैसे काम करता है। ड्रेस की हेम को सावधानी से बॉटम स्कर्ट से टक करें, अपनी कमर पर रिबन से टाइट करें। अब ये बेहतर है। ड्रेस को खोलें। ये ऐसे है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बस किसी को मत बताना। वेडिंग वाउस बहुत प्यारे होते हैं। ग्रूम ने अच्छे से तैयारी की है। उसने दिल से अपने वाउस याद किए हैं, पर दुल्हन बहुत घबराई हुई लग रही है। वो अपने साथ एक चीट शीट भी नहीं ला पाई। आपको आपकी दोस्त की मदद करनी होगी। वो इसे खुद से नहीं कर सकती। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एलिस को बस इसे पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है ये काम कर रहा है जब तक दूल्हे का ध्यान नहीं भटकता। और फिर तुम किस कर सकते हो। आसपास ऐसे दोस्त होना काफी अच्छा रहता है। वो हमेशा दिन बचा लेती है। लड़कियों तैयार हो जाओ, समय है बुके पकड़ने का। वो सभी ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि अगली शादी किसकी होगी, पर ये खतरनाक इवेंट में बदल जाता है। निकी इतनी लकी नहीं थी। उसने फूलों को नहीं पकड़ा, पर उसकी आंख के नीचे नील पड़ गया और वो जल्दी एक पार्टी पर जाने वाली है। वो क्या करेगी। अब वेडिंग सेवियर को मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, एलिस के पास भी कुछ लाइफ हैक्स हैं। थोड़ा सा लाल मेकअप नीले को ढक देगा। ब्रूज को ध्यान से आईलाइनर से ढकें। ऊपर थोड़ा बीच कंसीलर लगाएं। हो गया, निकी बिल्कुल पहले जैसी हो गई।
कि आपको हमारे वेडिंग हैक्स पसंद आए या फिर आपको ब्राइड और ग्रूम के लिए कुछ और फायदेमंद टिप्स पता हो, हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप ट्रिम ट्रिम पर हर एक ओकेशन के लिए मजेदार आइडियाज मिस ना करें।